हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक अनबॉक्सिंग वीडियो जिसमें मैं चीप कलर पेंसिल्स का रिव्यू एंड अनबॉक्सिंग करने जा रही हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं यहाँ पे डोम्स के कलर पेंसिल्स का अनबॉक्सिंग करने जा रही हूँ। मैंने इसे लोकल मार्केट से परचेस किया है एंड इसका कुछ बॉक्स इस तरीके से है। इसके साथ आपको एक शार्पनर फ्री मिलता है एंड इसका प्राइस 100 रुपीज़ है। सो आपको ये मार्केट में आसानी से मिल जाएगा और इसका पैकेजिंग कुछ इस तरीके से है फ्रेंड्स। इसमें आपको 24 पेंसिल्स मिलती है। चलिए अब इसे देखते हैं अनबॉक्स करके। सो ये है कलर पेंसिल्स जो कि 24 शेड्स में आपको मिलते हैं। एंड ये है शार्पनर जो कि आपको इन पेंसिल्स के साथ ही मिल जाता है। सो ये काफ़ी अच्छी बात लगी क्योंकि आपको शार्पनर अलग से नहीं लेना पड़ेगा, आपको इसके साथ ही मिल रहा है। इन पेंसिल्स में मुझे ये जो कलर दिख रहा है यहाँ पे स्किन कलर, ये काफ़ी हेल्पफुल होता है पोर्ट्रेट ड्राइंग के लिए। सो आपको यहाँ पे स्किन कलर मिल रहे हैं एंड यहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे कलर्स हैं जिसकी हेल्प से आप पोर्ट्रेट को कलर कर सकते हैं। सो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं कि ये कलर कैसे है। मैं यहाँ पे सारे कलर्स को आपको यूज़ करके दिखाऊंगी एंड कैसे ये ब्लेंड होते हैं मैं वो भी दिखाऊंगी आपको। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे स्किन कलर ही लिया है। अब मैंने यहाँ पे ब्लैक कलर लिया है एंड इससे मैं शेड करके आपको दिखा रही हूँ। एंड आपको ब्लेंड करने के लिए यहाँ पे वाइट पेंसिल्स मिलती है, आप इसकी हेल्प से बहुत अच्छे से ब्लेंड कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे स्किन कलर के पेंसिल की शेडिंग के ऊपर कर रही हूँ। पेंसिल कलर की शेडिंग को ब्लेंड करने के लिए आपको वाइट चारकोल पेंसिल या फिर वाइट कलर पेंसिल्स का यूज़ करना चाहिए। इस तरह से मैं इसको ऑपोजिट साइड में शेड कर रही हूँ एंड इस तरह से ये ब्लेंड हो जाता है काफ़ी अच्छी तरीके से। अब मैं सारे कलर्स को यूज़ करके आपको दिखाने जा रही हूँ कि किस तरह से ये ब्लेंड होते हैं एंड कैसा रिजल्ट आता है इन कलर्स का। कलर पेंसिल्स को ब्लेंड करने के लिए आपको शेडिंग के बाद ऑपोजिट डायरेक्शन में वापस से शेड करना होता है, तो मैं यहाँ पर ब्लैक कलर पेंसिल्स को वापस से ऑपोजिट डायरेक्शन में शेड करके ब्लेंड कर रही हूँ। काफ़ी अच्छे से शेड होता है फ्रेंड्स इन पेंसिल से एंड ब्लेंड जब कर रही हूँ मैं ऑपोजिट डायरेक्शन में, जब स्ट्रोक्स लगा रही हूँ तो काफ़ी स्मूथली दिख रहा है यहाँ पे। सो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे बारी बारी से सारे कलर पेंसिल्स को शेड करके आपको दिखाऊंगी एंड ब्लेंड करके भी दिखा रही हूँ साथ ही में। जितने भी सारे कलर पेंसिल्स आपको दिख रहे हैं मैं सारे शेड करके आपको एक एक करके दिखाती हूँ। मैंने सारे कलर पेंसिल्स का यूज़ करके देखा ये काफ़ी ब्राइट है एंड मैंने जब इसे शेड किया एंड ब्लेंड किया तो काफ़ी स्मूथ रिजल्ट मिला। ये काफ़ी अच्छे से पेपर में ऑप्ट हो जाता है। जो वाइट कलर पेंसिल मिलती है आपको उसकी हेल्प से आप लाइट कलर पेंसिल्स की शेडिंग को अच्छे से ब्लेंड कर सकते हैं। आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट चीप कलर पेंसिल्स फॉर बिगिनर्स। यू कैन यूज़ देम फॉर पोर्ट्रेट ड्राॅइंग और एनी अदर काइंड ऑफ ड्राॅइंग्स। You can easily purchase it from online or offline. And I hope friend you enjoyed this video. If you enjoyed this video, don't forget to like, share and subscribe to my channel. And thank you so much for watching.